शिक्षा का अधिकार एक मौलिक अधिकार है, जिसका अर्थ है 6 से 14 साल के सभी बच्चों को अनिवार्य रूप से शिक्षा दी जाए। मेरे गांव मुगलपुरा में 6 से 14 साल के सभी बच्चे 2005 से आज तक सभी स्कूल में जा रहे हैं, सभी का नामांकन हुआ है। इसके लिए गांव को व स्कूल को 2005 में जिला प्रशासन व सर्व शिक्षा अभियान द्वारा इनाम भी दिया जा चुका है। मुगलपुरा गांव के सभी बच्चे 6 से 14 वर्ष के सभी स्कूल में आते हैं। हम पंचायत की सहायता से हर वर्ष अप्रैल में सर्वे करते हैं। आज तक कोई भी बच्चा 6 से 14 वर्ष का कोई भी बच्चा 2005 से ड्रॉप आउट नहीं रहा। 2005 में सर्व शिक्षा अभियान के तहत गांव के स्कूल व गांव के सदस्यों को सम्मानित भी किया गया। इसका श्रेय गांव के पूर्व सरपंच श्री सत्यवान जी को जाता है, जिसने हमारे स्टाफ के साथ मिलकर गांव में सर्वे करवाया और सभी बच्चों को स्कूल में लाने के लिए प्रयास किया। अन्य बालक कितने गए थे? सारे स्कूल में जा रहे हैं। स्कूल में गए कितने बालक हैं? चार बालक। चार स्कूल में जा रहे हैं। क्या तो पढ़ाओ बालक ने सके मिला है जब 2005 में मैं गांव का सरपंच बना तो गांव शिक्षा के मामले में काफ़ी पिछड़ा हुआ था। मैंने इसे चुनौती के रूप में लिया व स्कूल के अध्यापकों के साथ मिलकर घर घर जाकर हमने 100% नामांकन करवाया। कुछ साल पहले तो कोई माहौल पढ़ाई का नहीं था, ना कोई दिलचस्पी थी, ना कोई माँ बाप की थी, ना बच्चों की थी। और फिलहाल जो है कुछ पिछली पंचायत के हिसाब से कुछ जो टीचर आए हैं स्कूल में उनकी मेहनत के द्वारा जो है आज बच्चे जो है तकरीबन 100% के करीब बच्चे स्कूल में जा रहे हैं। शिक्षा इंसान का सबसे बड़ा गहना है। शिक्षा नौकरी नहीं दिलाती बल्कि जीने का ढंग सिखाती है। हम सबका ये कर्तव्य बनता है कि हम भी अपने आस पड़ोस में रहने वाले बच्चों को स्कूल में भेजें ताकि वो भी अपना जीने का ढंग सीख सके। मैं अपील करूँगा सभी ग्राम पंचायतों से कि वो भी हमारे गाँव मुगलपुरा की तरह निर्णय ले कि सभी बच्चों को हम स्कूल में दाखिल कराएंगे ताकि हमारा देश विकसित बने, शिक्षित बने। मैं सत्यवान वर्मा, मुगलपुरा, जिला हिसार से, इंडिया अनहर्ड के लिए।